गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होगा एक रिव्यू वीडियो, इस पे ये है वेट एंड वाइल्ड का फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश। सो इसे फर्स्ट लॉन्च किया था नायका ने एंड मुझे तभी खरीदना था, बट द थिंग वाज कि मुझे थोड़े से रिव्यूज़ पढ़ने थे कि कैसा है ये ब्रश, कैसा अप्लाई करता है फाउंडेशन का नॉल। सो मैंने तभी नहीं खरीदा, मैंने 2 हफ्ते बाद जाके चेक किया आफ्टर रीडिंग द रिव्यूज़ की रिव्यूज़ इसके अच्छे आए थे। तो 2 हफ्ते बाद जब मैं चेक करने गई ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। सो ये ब्रश बहुत ही ज़्यादा जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हुआ एंड उसके बाद स्टॉक में वापस आया ही नहीं, प्लीज़ मैंने तो नहीं देखा। तो रिसेंटली मिंत्रा ने इस वेट एंड वाइल्ड के पूरे लाइन को अपने साइट पे लॉन्च किया। तो जब मैंने उसको देखा, जब मुझे वो मेल आया, मैं बस गई और मैंने ये ख़रीद लिया। तो इस पर फ्री शिपिंग चल रहा था एंड कुछ डिस्काउंट कोड भी था। सो बिफोर आई स्टार्ट कि मुझे कितने मिला क्या नहीं, मैं बताना चाहूँगी कि मैंने बस मेरे आईब्राउज थोड़े से फिल किए हैं एंड मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है, बेला वोस्टे की लिपस्टिक है ये एंड ये इन द शेड 23 पीची पंच सैटिन टच लिपस्टिक है। सो नाउ वी कैन स्टार्ट। ओके, तो मैंने जैसे कि बोला, मैंने मिंत्रा से इसे ख़रीदा है। ये ऐसे एक पैकेट में आया था एंड इसका प्राइस है 299 रुपीज़, दैट इज़ 300 रुपीज़ के आसपास। एंड मैंने जैसे कि बोला फ्री शिपिंग चल रहा था, बट मिंत्रा पे हमेशा फ्री शिपिंग नहीं होता है, तो मुझे नहीं पता अगर आप ख़रीदने जाओगे तो होगा या नहीं। सो मैंने फ्री शिपिंग में ख़रीदा था और मुझे इस पर 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। सो मुझे ये 250 रुपीज़ में मिला। ओके, सो अब बात करते हैं इस ब्रश की। ये एक फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश है, ऊपर से फ्लैट है। आप इसे आपका फाउंडेशन लगा सकते हो, बफ कर सकते हो आपके फाउंडेशन को, उसके बाद आप ब्लश भी लगा सकते हो इससे। सो ये दूसरे फ्लैट टॉप कबूकी ब्रशेज़ जैसा नहीं है, मतलब मेरे पास कंपेयर करने के लिए बस 2 ही फ्लैट टॉप कबूकी ब्रशेज़ है। एक मैंने एक सेट ख़रीदा था अमेज़ॉन से, मैंने बहुत पहले मतलब रिव्यू किया था उस चीज़ को, तो उसमें से एक सॉर्ट ऑफ फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश है। एंड उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली क्लब फैक्ट्री से कुछ ब्रशेज़ ख़रीदे थे, उसमें एक फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश है। तो मैं उन दोनों से इस चीज़ को कंपेयर करूँगी। ओके, सो ये 2 ब्रशेज़ के बारे में मैं बात कर रही थी। ये भी एक फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश है और ये भी है, तो इन दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। तो फिर मैं इसे साइड में रखती हूँ, मैं इसी को मतलब शोपीस करूँगी, थोड़ा ज़्यादा प्रिटी है। एंड मैं डिफरेंस बताना चाहूँगी क्या है क्या नहीं। एंड बिफोर बाइंग दिस मेरे पास, मैंने जैसे कि दिखाया मेरे पास 2 ही थे, तो मुझे लगता था कि फ्लैट टॉप कबूकी ब्रशेस ऐसे ही काम करते, क्योंकि मेरे पास फुल लाइफ टाइम में शायद यही 2 फ्लैट टॉप कबूकी ब्रशेस थे और मेरे पास थे ही नहीं, क्योंकि मैं स्पंज ज़्यादा यूज़ करती थी। तो आई डिड नॉट नो कि फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश इतने अच्छे भी हो सकते हैं आफ्टर यूजिंग द वेट एंड वाइल्ड ब्रश। तो मैं इन दोनों के बारे में एक कंपैरिजन देना चाहूँगी। अगर आप इन दोनों को देखोगे तो आपको, मुझे पता नहीं स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि नहीं, बट ये बहुत ज़्यादा डेंस है, मतलब है डेंस काफ़ी है इससे कंपैरेटिवली, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंस है। इसमें ऐसे प्रेस करूँगी तो इतना सा आएगा, बट इसको ऐसे करूँगी तो इतना आएगा। तो ऑफकोर्स ये बहुत ही ज़्यादा डेंस है, तो एप्लीकेशन में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड करता है फाउंडेशन को। ऑल्सो मैं और एक बात बताना चाहूँगी कि ये सॉफ्ट है एंड ये भी सॉफ्ट है, बट द थिंग इज़ जस्ट बिकॉज ये डेंस है एंड इसके ब्रिसल्स मुझे थोड़े ज़्यादा स्टर्डी लगते हैं इससे। ये मतलब अगर मुझे रेटिंग देनी होगी कि आउट ऑफ 10 अगर मैं किसी को इन दोनों को रेट करूँ तो ये अच्छा है, बट इन कंपैरिजन विद दिस इतना अच्छा नहीं है। सो आई वुड रेट दिस 4 एंड आई वुड रेट दिस 10 ऑन 10। मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। इसके ब्रशेस बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये हैंडल भी इतना ज़्यादा अच्छा है कि आप बहुत अच्छी तरीके से अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर सकते हो। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये मुझे कहना था बिफोर आई स्टार्ट द डेमो, तभी मैं डेमो स्टार्ट करूँगी आपको। ओके, सो मैंने मेरा हेयर बैंड लगा दिया है एंड मेरा फाउंडेशन फॉर चॉइस इज दिस इज़ द फिट मी फाउंडेशन और मेरा शेड है 128 वार्म न्यूड। सो इससे पहले भी मैंने इसको 1-2 बार यूज़ किया है एंड इससे पहले मैंने इसको यूज़ किया था, मतलब मैंने फाउंडेशन डायरेक्टली हाथ पे डाला था, तो उसके बाद मैंने ऐसे करके लगाया था, तो ये फाउंडेशन यहाँ थोड़ा बहुत रह गया, दिख रहा है यहाँ थोड़ा बहुत रह गया। सो मैं उसको अवॉइड करती हूँ, वो तो नहीं करती हूँ। So I'll just take some foundation. Okay, dot dots पे लगा लेंगे इसे। Okay, लगा चुकी, थोड़ा ज़्यादा लगा। हाँ लगा चुकी हूँ और अब मैं इसे बस ब्लेंड करके दिखाऊंगी। इतना ज़्यादा इजी तरीके से बहुत जल्दी जल्दी ब्लेंड हो जाता है ये। एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा धीरे कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है कि अगर मेरे आईब्रोज पे थोड़ा सा भी प्रोडक्ट लग जाए तो, इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा धीरे धीरे कर रही हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा फाउंडेशन लगा लिया है फोरहेड पे क्योंकि मेरा फोरहेड थोड़ा सा छोटा है। तो इसे मैंने एक साइड में ब्लेंड कर लिया है एंड ये बिल्कुल भी ब्रश स्ट्रोक्स नहीं लीव करता, बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपको फाउंडेशन थोड़ा सा लाइट लग रहा हो तो ये मुझ पर थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है, इसीलिए मैंने एक टोन लाइट भी नहीं लिया है, बस थोड़ा सा लाइट लिया है। ये ब्लेंड हो चुका है एंड ये बहुत ज़्यादा मतलब कोई आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं कि आप बहुत देर तक इसको घिस रहे हो या ऐसा कुछ भी, बस बहुत जल्दी जल्दी ब्लेंड हो जाता है। डन हो गया, बिल्कुल भी कोई भी ब्रश स्ट्रोक्स नहीं है, बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं, पोक नहीं कर रहा है ये मेरे फेस को। एंड बहुत ज़्यादा डेंस है तो बहुत इजीली ब्लेंड हो गया, तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। इट्स लाइक जब से भी एक दो दिन ही हुआ है इसे आके, बट आई जस्ट कांट स्टॉप यूजिंग दिस ब्रश। मुझे ऐसे लग रहा है ना कि मैं स्पंज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, बट स्पंज के बाद जो मैं इस्तेमाल करूँगी, जो मेरे हाथ में आएगा वो यही चीज़ है। मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद आया। देयर इज सम फाउंडेशन ऑन माई हैंड, मैं इसको नेक पे लगा लेती हूँ। इसके ब्रिसेस, इसकी जो मतलब डेंसिटी है वो इतना ज़्यादा है मतलब कि अगर आपको कहीं जल्दी में जाना हो ना तो आपको बस अपना फाउंडेशन ढंग से डॉट करना है, उसके बाद बस ब्लेंड कर देना। बस आपको कोई चिंता नहीं है कि इसको किस तरीके से और क्या करना है क्या नहीं। एंड आई एम लविंग दिस फाउंडेशन, दिस ब्रश मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ओके सो आपने डेमो देख लिया है कि ये कितना ईजीली ब्लेंड हो गया, बिल्कुल मेरे फेस को पोक नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी ब्रश स्ट्रोक्स नहीं है। एंड ये मुझे कितने बार मैंने वीडियो में बता दिया कि मुझे कितना पसंद आया। पहले ना मुझे सीरियसली ऐसा लगता था लोग क्यों फ्लैट टॉप का बुकी ब्रशेस के बारे में इतना रेव करते हैं, क्योंकि मुझे ना स्पंजेस बहुत ज़्यादा बेटर लगते थे कि डैप कर लो हो गया। बट द थिंग इज़ कि ये तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। बट हाँ जब मैंने इसे यूज़ किया था तभी मुझे ठीक ठाक लगा था, इतना ज़्यादा स्टर्डी नहीं है इसके कंपैरिजन में। सो मुझे पहले ऐसा लगता था क्यों लोग इतना फ्लैट टॉप का बुकी ब्रशेस के बारे में इतना रेव करते हैं, बट आफ्टर यूजिंग अ गुड ब्रांडेड ब्रश फॉर माई फेस मुझे ऐसा लगने लगा है कि हाँ जो ब्रांडेड ब्रशेस होते हैं, जो अच्छी कंपनी के ब्रशेस होते हैं, वो दे पुट इन दैट मच ऑफ यू नो डिज़ाइन एंड दैट मच ऑफ एफर्ट कि आपको उस तरीके के क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे सके। एंड इसीलिए मुझे ऐसा लगता है ब्लश ब्रश के लिए तो यू नो थोड़ा सा ही मतलब सॉफ्ट से ब्रिसल्स चाहिए होंगे, इससे भी लग जाएगा। बट ऐसे जो ब्रशेस होते हैं फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश पर, स्टिपलिंग ब्रश जो होता है, कॉन्टोरिंग ब्रश होता है, उसमें यू नो आपको थोड़ा सा मतलब उस दैट डिज़ाइनिंग गोज इन इट ऑफ कोर्स, क्योंकि यू नो अगर ये डेंस नहीं होता कैसे काम करता मुझे नहीं पता, अगर इसके ब्रिसल्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते तो किस तरीके से काम करता मुझे नहीं पता। बट आई एम रियली रियली लविंग दिस ब्रश, दैट इज़ व्हाट आई विल से। एंड अगर आपको ये दिखे और आपको किसी फेस टूल की ज़रूरत है कि आपको फाउंडेशन लगाने के लिए कोई फेस टूल चाहिए, तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगी कि आप ये ख़रीदें। नायका पे मुझे नहीं पता कब स्टॉक में आएगा, बट हाँ मिंत्रा पे ये इन स्टॉक है तो आप डेफिनेटली वहाँ से ख़रीदें। 299 रुपीज़ का है एंड मुझे नहीं पता कि डिस्काउंट कोड आपको मिलेगा या नहीं. आई गॉट लकी, मुझे मिल गया 50 रुपीज़ का डिस्काउंट कोड. बट फॉर 300 रुपीज़ दिस इज़ टोटली वर्थ. एंड अगर आपको कोई टूल चाहिए तो डेफिनेटली प्लीज़ कंसिडर दिस. एंड दैट वाज ऑल फॉर द रिव्यू. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू हिट द बेल आइकन टू रिसीव ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ माई फ्यूचर वीडियोज़. एंड मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ एवरी सिंगल डे, कभी कभी सैटरडे संडे कर लेती हूँ. तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे इन टच. Thank you so much for watching.